वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम वो जो पिछला लेक्चर हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के स्टार्ट कर दिया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को मज़ीद डिस्कस करते हैं। और अगर आपको याद हो कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पहले क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया था और साथ साथ ये भी मोटिवेट किया था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो प्रॉब्लम है या सिस्टम जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कितना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। और ये मैंने स्ट्रेस किया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल जो है वो मिलता है। और इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि जो लोकल मिनिमा है उनको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज द हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की प्रोफाइल बनाई जाए किसी जनरल पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो लोकल मिनिमा है वहाँ पे ये पैराबॉलिक पोटेंशियल बन जाता है जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है ऑफ दिस फॉर्म। दिस इज़ अ शिफ्टेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, शिफ्टेड एंड सेंटर्ड एट एक्स नॉट। और ओरिजिनली जो है वो सेंटर्ड था एट एक्स ज़ीरो। तो ये शिफ्टेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, बट इट डजंट मैटर कि अगर वो एक्स नॉट पर है सेंटर्ड या एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर सेंटर्ड है ओरिजिन पे, मगर इसकी फॉर्म जो है वो पैराबॉलिक फॉर्म है। और ये जो है ये बहुत सारी डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है लोकल मिनिमा में आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। और जो बिहेवियर सिस्टम का वो मिमिक करता है या उसी की तरह का होता है जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। अच्छा, अब ये क्लासिकल की बात हो रही थी। क्वांटम मैकेनिकली जहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक है तो क्वांटम मैकेनिकली भी ये बात ट्रू है कि लोकल मिनिमा जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एनर्जी है वो फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं। और आप ट्रीट कर सकते हैं सिस्टम्स क्लोज टू देयर मिनिमम लोकल मिनिमम एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वो क्लासिकल सिस्टम्स हों या क्वांटम सिस्टम्स हों, दोनों पे ये बात जो है इट होल्ड्स ट्रू। अब जब हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम बात करेंगे एक्सक्यूज मी, तो हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा श्रोडिंगर इक्वेशन से। क्लासिकल में जिस तरह हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की अगर बात करें तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, वो हमने ऊपर उसको डिस्कस किया था, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। जब आप क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है और उसमें जो बेसिक ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो हैमिल्टोनियन जो क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको आप क्लासिकल हैमिल्टोनियन से हासिल कर सकते हैं। क्लासिकल हैमिल्टोनियन जो है वो मोमेंटम और पोजीशन की टर्म्स, मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में होता है और इट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज। और अगर आपने इसको क्वांटम हैमिल्टोनियन लिखना है तो एसेंशियली जो आपके पास ऑब्जर्वेबल्स हैं, डायनेमिकल वेरिएबल्स जो हैं मोमेंटम एंड पोजिशन, वो ऑपरेटर्स आप उन्हें बना लेंगे। और ऑपरेटर्स को हम इधर हैट्स से जाहिर कर रहे हैं, जो ऊपर हैट्स लगी हुई ना, तो अब ये क्वांटम हैमिल्टोनियन बन गया। अब ये क्वांटम हैमिल्टोनियन जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन में जाएगा क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। टाइम डायनेमिक्स उसकी टाइम इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ हम डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे जो बेसिकली हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू इक्वेशन है जिसमें ये एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं और ई जो है एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली अब हमने इट इज़ कन्वीनियंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। तो हम जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ, बाद में हम कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। और फिर डिफरेंशियल बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो सीरीज सॉल्यूशन वगैरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
एक तो तरीक़ेकार ये है जिसको हम बाद में जिसका जिक्र भी करेंगे। दूसरा तरीका वो है कि जो कि जब ये शुरू में इस प्रॉब्लम को स्टडी किया जा रहा था और क्वांटम मैकेनिक्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उस ज़माने में ये क्वांटम मैकेनिक्स को मुख्तलिफ सिस्टम्स पे अप्लाई किया जा रहा था और ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि मुख्तलिफ सिस्टम्स पे अप्लाई करके हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और वो रिजल्ट्स जो हैं वो क्लासिकल रिजल्ट से कैसे फ़र्क है। तो उस ज़माने में ये काफ़ी मुख्तलिफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स पे अप्लाई हो रहे थे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो क्लासिकल सिस्टम्स हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं और हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया था जिसका हमने स्टार्ट ले लिया था पिछली दफ़ा। और वो ये कि इस इक्वेशन को थोड़ी देर गौर से देखने से ये ख्याल सामने आया उसके कि इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें, जैसे कि नंबर्स अगर आपके स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स हों और वो आप ऐड सम ले रहे हैं उनका, तो उनको आप इस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यू और वी कोई नंबर्स हैं, ऑपरेटर्स नहीं हैं, तो ये एलजेब्रा में काफ़ी दफ़ा नज़र आते हैं और कई दफ़ा आसानियाँ हो जाती हैं अगर आप इसको जो है फैक्टराइज कर सकें। तो ये ख्याल था कि इसको फैक्टराइज अगर करने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि कोई सिंपलर फॉर्म बन जाए और हमें बग़ैर वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के हमें कोई और मेथड भी इसको सॉल्व करने के मिल जाए, और हो सकता है उसके कोई एडवांटेजेस हों और हो सकता है कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम के बारे में उस रास्ते से भी मिल जाए। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए हाइजेनबर्ग ने इसको सॉल्व किया, मगर ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये नंबर्स नहीं हैं, ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर्स में आम तौर से ऑर्डर मैटर करता है अगर वो कम्यूट नहीं कर रहे। तो हमें पता है कि ये एक्स और पी ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते, राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं है बल्कि आई एच बार है और एक्स आइडेंटिटी ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है जो इधर ज़ाहिर नहीं किया जाता आमतौर पर, मगर अंडरस्टूड होता है। अच्छा, फैक्टराइज करने के लिए ये ख्याल रखते हुए कि ये ऑपरेटर्स हैं, ये आपस में कम्यूट नहीं करते, इनका ऑर्डर का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तो दो नए ऑपरेटर्स डिफ़ाइन कर लिए जाते हैं। जो दो नए ऑपरेटर्स हैं वो ए प्लस और ए माइनस ऑपरेटर्स हैं, लैडर ऑपरेटर्स कहते हैं। ये उसी किस्म के ऑपरेटर्स हैं जो कि हमने एंगुलर मोमेंटम वाली प्रॉब्लम में भी देखे थे, वहाँ भी रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स थे, तो बिल्कुल वही चीज़ इधर भी है। एक्चुअली ये पहले अप्लाई हुआ और एंगुलर मोमेंटम में ही वाले प्रॉब्लम में बाद में अप्लाई हुआ, मगर जिस ऑर्डर में हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान, तो ये इसकी अपीयरेंस पहले, इस किस्म के ऑपरेटर्स की अपीयरेंस पहले एंगुलर मोमेंटम वाले केस में सामने हमारे आ चुकी है, इसलिए हमारे लिए ज़रा आसानी होगी इसको दोबारा से समझना। अच्छा, इधर जो है ये ए प्लस और ए माइनस दो ऑपरेटर्स हैं जिनमें फ़र्क ये है कि इधर साइन का फ़र्क है, ये उसी तरह है जैसे कि यू प्लस आई वी और यू माइनस आई वी। अच्छा, अब अगर फैक्टराइज़ हो सकते हैं तो क्या हमने कहा कि अगर ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया यू प्लस आई वी या यू माइनस आई वी टाइप का, सिर्फ इसमें ख्याल रखना है कि यू और वी नंबर्स नहीं हैं बल्कि ऑपरेटर्स हैं, तो फिर हमें ये चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे ओरिजिनल जो ये हैमिल्टोनियन है, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन की जो है की टर्म्स में लिखा जा सके, यानी कि जब ओरिजिनल हैमिल्टोनियन इस तरीके से फैक्टराइज हो सके तो प्रोडक्ट हमें देखना होगा इन दोनों ऑपरेटर्स का। तो वो प्रोडक्ट्स देखें तो क्योंकि आपस में कम्यूट नहीं करते, तो ये वाली टर्म जो है यहाँ पे ये टर्म जो है एक बच जाती है और ये कॉम्यूटेटर के बराबर है, तो वही कॉम्यूटेशन रिलेशन इस्तेमाल करें तो ये हैमिल्टोनियन की ये फॉर्म बन जाती है। अब इसमें हमने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिया हुआ है, ए प्लस पहले राइट साइड से पढ़ना शुरू करें, ए प्लस पहले और फिर ए माइनस एक्ट करता है किसी भी स्टेट पे। अब क्योंकि आपस में कम्यूट नहीं करते, अच्छा एक्स और पी आपस में कम्यूट नहीं करते, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो वो हमने करके देखा है तो वो फ़र्क आता है जो इधर जो टर्म आ रही है, जो कम्यूट इनके कम्यूट ना करने की वजह से जो एक टर्म आ रही है, हाफ जो आ रहा है, ये हाफ़ है वन बाई टू, ये यहाँ से आ रहा है इस टर्म से, तो ये नॉन कम्यूटिंग की वजह से, तो नॉन कम्यूटिंग की वजह से जो इनका ऑर्डर में फ़र्क आ जाता है वो साइन का फ़र्क आ जाता है इन टर्म्स में, ये प्लस और माइनस साइन का। तो आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन को कि ए प्लस ए माइनस, यानी ए माइनस पहले एक्ट करे फिर ए प्लस एक्ट करे स्टेट के ऊपर,
या पहले ए प्लस एक्ट करें, नीचे वाले साइन ले लें, ए माइनस। सिर्फ फ़र्क ये है कि इधर जो है ऊपर वाले साइंस लेके चलेंगे तो इधर प्लस होना चाहिए, नीचे वाला साइन लेके चलेंगे तो माइनस हाफ के साथ माइनस साइन होना चाहिए। तो बेसिकली अब आपने देख लिया है कंप्लीट फैक्टराइजेशन तो नहीं है लेकिन किसी हद तक फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ एक्सक्यूज मी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले लेक्चर में सामने आई वो ये भी थी कि इन दोनों जो ये लेडर ऑपरेटर्स हैं, रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर्स भी इन्हें कहा जाता है, ये ऑपरेटर्स जो हैं ये भी आपस में कम्यूट नहीं करते और इनके दरमियान कम्यूटेशन रिलेशन वन है, वो हमने पिछली दफ़ा साबित किया था। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हमने एक्सरसाइज पिछली दफ़ा कर ली थी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट, जिस तरीके से आपको याद हो ना एंगुलर मोमेंटम वाले से मैंने कहा काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो क्लेम हम ये करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्लेम जिसको हम साबित भी करेंगे वो ये है कि इफ़, और यहाँ से इनकी इम्पॉर्टेंस आती है और यहाँ से इनको को जो मैं रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर्स कह रहा हूँ ना वो यहीं से फिर उन उस नाम की वजह भी समझ में आएगी। इफ़ फाई इज़ एन आइगन स्टेट, इज़ एन आइगन स्टेट ऑफ एच, ये जो हैमिल्टोनियन है, यह हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टोनियन की मैं बात कर रहा हूँ, then a plus phi is also an eigenstate of the same Hamiltonian, मगर आइगन वैल्यू फर्क हो जाएगी, विद आइगन वैल्यू, ओहो इधर लिखना चाहिए, इंस्टेड एज विद आइगन वैल्यू ई, अगर आइगन वैल्यू है तो ये जो है भी आइगन स्टेट है ए प्लस फाइव विद आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ई प्लस एच बार ओमेगा। अच्छा, इसको समझते हैं क्लेम है क्या। क्लेम ये है कि अगर फाई जो है वो आइगन स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टोनियन की विद एनर्जी आइगन वैल्यू ई, तो ए प्लस फाइव भी आइगन स्टेट है इसी हैमिल्टोनियन की मगर विद अ डिफरेंट आइगन वैल्यू ई प्लस एच बार ओमेगा। अगर ओरिजिनल आइगन वैल्यू ई थी तो ए प्लस फाइव जो हमें स्टेट मिलती, क्योंकि ये ए प्लस ऑपरेटर जब फाइव पे ऑपरेट करेगा तो आपको एक नई स्टेट देगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि फाइव ए प्लस की भी आइगन स्टेट है, तो ये जो नई स्टेट आपके पास आएगी वो भी हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है, यानी एनर्जी आइगन स्टेट है, मगर उसकी एक जो आइगन वैल्यू है वो ओरिजिनल जो स्टेट फाई थी उसकी आइगन वैल्यू से एच बार ओमेगा ज़्यादा है, उसकी एनर्जी जो है ए प्लस फाई स्टेट की जो एनर्जी है वो ओरिजिनल स्टेट फाई की एनर्जी ई से एक एच बार ओमेगा स्टेप ज़्यादा है। तो ये समझ, ये इस तरीके से फिर ये लैडर के तौर पे जो लैडर ऑपरेटर्स इन्हें कई दफ़ा कहा जाता है ना, उसकी वजह यही है कि ये लैडर आप कंसिडर कर सकते हैं, लैडर इन एनर्जी। तो और हर जो स्टेप है लैडर का, हर जो स्टेप है लैडर का उसकी एनर्जी जो है, हाइट इन एनर्जी जो है वो एच बार ओमेगा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल काफ़ी वो आपको याद आ रहा होगा एंगुलर मोमेंटम वाले केस में भी। तो इसका मतलब है कि ये जो हम इसको प्रूफ अब करते हैं कि वील प्रूव दिस प्रूफ, उसके लिए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ए बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी हैमिल्टोनियन की, क्योंकि हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ए प्लस फाइव जो है ये स्टेट, ये भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की, और फिर जो आइगन वैल्यू हमारे पास आएगी वो ई प्लस एच बार ओमेगा नज़र आनी चाहिए हमें। तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन ही लिख रहे हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन इस तरह होती है ना, ए और आप समझ लें कोई स्टेट है साई इज इक्वल टू ई साई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली साई की जगह ये स्टेट ए प्लस फाई आ रही। ठीक, अच्छा, अब हैमिल्टोनियन की जगह
हम ये पुट कर सकते हैं, तो लेट्स जस्ट टेक द ऊपर वाले साइन ले लेते हैं, नीचे फलों से भी आप साबित कर सकते हैं। और ये स्टेट आपके पास दोबारा आ गई फाइव, ठीक है ना, ये स्टेट ये है और हैमिल्टोनियन हमने ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एच बार ओमेगा। ये ध्यान में रखें कि ये राइट साइड पे जो है ऑपरेटर वो पहले एक्ट करता है स्टेट के ऊपर, क्योंकि फिर उसके दूसरा फिर तीसरा, ठीक है ना, सो यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्लस हाफ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फाइव पे एक्ट कर। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रूफ में कि एच बार ओमेगा, ए प्लस को हम बाहर ले सकते हैं दोनों टर्म से, लेफ्ट हैंड साइड से ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों में, इसलिए हम इस तरीके से लेफ्ट लिख सकते हैं इसको। प्लस आ गया, प्लस अ हाफ, और ये एक्ट कर रहा है फाइव के ऊपर, ये सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं ये इस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक मकसद जो है ना, बेसिक मकसद जो है वो ये है कि एक तो हमें ये ए प्लस को लैदा करने का मकसद ये है कि ए प्लस ये अंदर वाली जो भी क्वांटिटी है ना, ये किसी तरीके से हैमिल्टोनियन बननी चाहिए एच बार को शामिल करके, कि जब ये फाइव पे एक्ट करे तो आपको पता है कि वो ई एनर्जी दे, ठीक है ना, यानी ये वाला हिस्सा जब एक्ट करेगा तो एनर्जी ई दे। तो अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो अभी तो ये हैमिल्टोनियन नहीं बना हुआ, क्योंकि अभी ये ऑर्डर चेंज हो गया, ए माइनस ए प्लस हो गया। ए माइनस ए प्लस अगर हो ना, इसमें देखें ए माइनस ए प्लस हो तो इधर माइनस साइन आता है, इधर प्लस साइन आ रहा है, तो हमें वापस जो है प्लस साइन, क्यों प्लस हाफ है इधर, तो किसी तरीके से हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है, यानी कि हमें ए प्लस पहले लिखना है लेफ्ट साइड पर और ए माइनस जो है वो राइट पे होना चाहिए। तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग द कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ए प्लस एंड ए माइनस, जो हमने अभी इधर जो हमने वो लिखी है कॉम्यूटेशन रिलेशन, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। अच्छा, ये ए प्लस हमने लेदा इसलिए किया ना, क्योंकि हम वापस चाहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन चाहते हैं ना, आइगन वैल्यू इक्वेशन चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास एंड में ये चीज़ आनी चाहिए, जो हम चाह रहे हैं ना वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये इस किस्म की फॉर्म बननी चाहिए। अगर हमारा जो क्लेम है वो अगर सही है और हम उसको साबित कर लेते हैं, तो साबित करने का मतलब ये है कि हमारे पास ये रिजल्ट होना चाहिए ए बार ओमेगा, ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए कि जब ये भी आइगन स्टेट है, जिस अगर ये चीज़ हमारे पास इस ये फॉर्म बन जाती है आइगन वैल्यू इक्वेशन की, तो उससे ये साबित होगा कि ये हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है और उसकी आइगन वैल्यू ई प्लस एच बार में, ठीक है ना, क्योंकि वही स्टेट आपको वापस मिल रही है जब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, सेम स्टेट मिल रही है विद द आइगन वैल्यू ई प्लस एच बार में। तो हमने किसी तरीके से, तो इसलिए ए प्लस को हमने बाहर लिया हुआ है, क्योंकि अगर ये हैमिल्टोनियन बन जाता है फाइव पे एक्ट करेगा तो आपको एक नंबर दे देगा, तो वो ए प्लस फिर आप नंबर कुछ बाहर ले सकते हैं, तो ए प्लस फाइव के साथ दोबारा, क्योंकि हमें बाद में ए प्लस फाइव चाहिए राइट हैंड साइड पे ना, इसलिए। अच्छा, अब इसको हैमिल्टोनियन बनाने के लिए हम इसका ऑर्डर चेंज करने लगे हैं यहाँ पे, और वो कॉम्यूटेशन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो लेट्स जस्ट डू दैट। एच बार भी हम साथ अंदर ही लगा लेते हैं ताकि वो आसानी हो जाएगी, नंबर है तो ये एच बार ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकता है, मतलब राइट हैंड साइड पे, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि एच बार ओमेगा ए प्लस
a minus plus 1 plus a half छब्बीस स्टेप में क्या किया, हमने इनका ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने का मतलब यह कि जब ये कॉम्यूटेशन रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं, इस कॉम्यूटेशन रिलेशन का मतलब यह है a माइनस a प्लस माइनस a प्लस a माइनस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर यूनिटी। तो हमारे पास पहले था a माइनस a प्लस, इधर जो है ना, यहाँ पे हमारे पास पहले था a माइनस a प्लस, उसको हमने लिखा है a प्लस a माइनस। तो a माइनस a प्लस जो है, इससे ये इम्प्लाई हो रहा है कि a माइनस a प्लस जो हमारे पास था उसको हमने उल्टा किया है। तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस, राइट हैंड साइड पे ले जाएं, a माइनस प्लस वन, वो इधर प्लस वन आ गया। अब ये जो है इसका का जो सोल्यूशन है वो इधर वन आ जाता है, तो a a प्लस a माइनस प्लस वन प्लस हाफ हो जाएगा ये। तो ये जब हम इस तरीके से इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो फॉर्म बन रही है वो है, इसकी फॉर्म जो है हमारे पास ये आ जाएगी। इसको मैं वापस ब्लैक कर दूँ तो a प्लस एच बार ओमेगा और a प्लस, अब आपके पास वो फॉर्म बन रही है जो कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि प्लस हाफ इसके साथ लगा दें तो हैमिल्टोनियन बन जाएगा। और फिर आपके पास ये वाली जो टर्म है इधर, ये वाली जो टर्म है h बार ओमेगा, ये इस वन के साथ शामिल मल्टीप्लाई कर दें तो h बार ओमेगा बन जाता है। और ये सारे का सारा जो है ये फाई के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, a प्लस इंक्लूडेड। तो ये आपके पास फॉर्म बन। अच्छा, अब ये करने का मकसद ये है कि ये अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये हैमिल्टोनियन जो है a प्लस a माइनस है और प्लस हाफ है। तो ये यानी ये जो पूरा का पूरा है ना, ये हैमिल्टोनियन बन रहा है। अगर आप देखें ना ऊपर वाला साइन लेना, एच बार ओमेगा ए प्लस ए माइनस प्लस हाफ, तो ये हैमिल्टोनियन बन जाएगा। यानी कि ये जो है आपके पास ये हैमिल्टोनियन एच ऑपरेटर आ जाएगा। सही है, ये सारा यहाँ तक। हाँ, तो अब आपके पास इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए प्लस एच प्लस एच बार ओमेगा फाई हैमिल्टोनियन प्लस एच बार ओमेगा। ये ऑपरेटर, इस समय यूनिट ऑपरेटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह पे ना, वो जब हम जाहिर नहीं इसको नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ बन गई आपके पास, अब अगर आप देखें तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस ऑपरेटर है। ये जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन से ई दे देगा और फाई वापस मिल जाएगा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई एनर्जी आइगन वैल्यू, नंबर आ जाएगा कुछ कुछ। अब देखें ना, हम सही रास्ते पर पहुँच रहे हैं, और क्योंकि फाई दोबारा मिल जाएगा तो फाई दोबारा इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इधर यूनिट ऑपरेटर है, यहाँ पे आइडेंटिटी या यूनिट ऑपरेटर है। वो जब फाई पे एक्ट करता है तो यूनिट ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर दूसरे लफ्ज़ों में की खसूसियत ये है कि वो स्टेट को चेंज नहीं करता, वही स्टेट आपको दोबारा मिल जाती है। अच्छा, अब आप क्योंकि ये नंबर्स हैं तो इनको आप पहले लिख सकते हैं इस तरीके से। आप इसको लिख सकते हैं ई प्लस एच बार ओमेगा ए प्लस फाई, और राइट हैंड साइड आपकी जो है वो है हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन ए प्लस फाई। तो ये जो आपके पास आ गया रिजल्ट, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई और ये शो कर रहा है कि ए प्लस फाई भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की विद द एनर्जी ई प्लस एच बार ओमेगा। और इस प्रूफ के दौरान इस स्टेप में हमने ये इस्तेमाल किया है
कि हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट फाई है विद ई एनर्जी. तो इसका मतलब ये है कि अगर फाई जो हमारा क्लेम था वो साबित हो जाता है कि अगर फाई जो है आइगन स्टेट हैमिल्टोनियन की है विद एनर्जी ई, तो ए प्लस फाई भी आइगन स्टेट हैमिल्टोनियन की है बट विद एनर्जी वन स्टेप हायर, ई प्लस एच बार ओमेगा. ठीक है, और इसी के ये होमवर्क प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ. आप ये भी साबित कर सकते हैं कि ये ए माइनस फाई जो स्टेट है, यानी फाई के ऊपर जो ए माइनस ऑपरेटर जब एक्ट करता है और एक स्टेट आपको देता है, वो भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की, बट इट लोअर्स, इट इज़ द स्टेट विद द लोअर एनर्जी, एक एच बार ओमेगा स्टेप लोअर एनर्जी. तो ये आपने होमवर्क में प्रूव करना है, प्रूव इट. तो इससे ये साबित हो रहा है कि ए माइनस और ए प्लस जब आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन फाई पे एक्ट करते हैं तो ये आपको नई स्टेट देते हैं जो आइगन स्टेट्स हैं हैमिल्टोनियन की, मगर ए प्लस अगर फाई जो स्टेट है उसकी एनर्जी एक एच बार ओमेगा स्टेप हायर है, और ए माइनस फाई जो स्टेट है उसकी एनर्जी एक स्टेप लोअर है, यानी ई माइनस एच बार ओमेगा. तो एनर्जी जो चेंज है ना वो एच बार ओमेगा स्टेप्स में ही होगा. ठीक है, तो ये भी आइगन स्टेट्स हैं बट वन लोअर एनर्जी, इसीलिए रीजन से ए प्लस और ए माइनस को हम रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स भी कहते हैं. ए प्लस ए माइनस आर कॉल्ड रेजिंग ब्रैकेट का मतलब ये है कि माइनस साइन जो है वो लोअरिंग ऑपरेटर को के लिए और प्लस साइन जो है वो रेजिंग ऑपरेटर के लिए, रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर्स. और वो वजह यही है कि एनर्जी को एक स्टेप हाई एनर्जी स्टेट दे देते हैं और एक स्टेप लोअर एनर्जी स्टेट दे देते हैं. ठीक है ना, अच्छा इसमें हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं. देयर इज एन एनर्जी स्टेट विद द लोएस्ट एनर्जी, और वो उसको अगर हम कहें ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की है उसको अगर हम कहें फाई ज़ीरो स्टेट, तो उसका डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन ये है कि ए माइनस जब फाई ज़ीरो पे एक्ट करेगा तो ज़ीरो दे देगा, बिकॉज देर इज़ नो स्टेट बिलो द ग्राउंड स्टेट. कोई स्टेट ऐसी नहीं, क्योंकि जो ए माइनस बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इज़ एन ऑपरेटर which gives you a state when it acts on phi, जो आइगन स्टेट्स हैं हैमिल्टोनियन को बैक्ट करते हैं, तो एक और स्टेट दे देता है जिसकी एनर्जी लोअर है और लोअर बाय वन स्टेप एच बार ओमेगा. मगर क्योंकि फाई ज़ीरो जो ग्राउंड स्टेट है उससे नीचे कोई स्टेट है ही नहीं एनर्जी में, तो ये जब एक्ट करता है फाई ज़ीरो स्टेट पे तो ये ज़ीरो दे देगा. तो दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, अच्छा अब इसको हम वैसे एक्चुअली ये जो दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करके हम इसकी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में स्टेट भी मालूम कर सकते हैं. यानी कि अगर हम ए माइनस की जो है ना ये डी फॉर्म की ग्राउंड स्टेट वे फंक्शन है क्या, वो भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो हमने डिफाइन किया हुआ है ये, इसको अगर आप देखें तो ये ए माइनस हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और इसे अगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखे ना तो यहाँ पे d बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस आई डी बाई डी एक्स, और x जो है ना पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में x ऑपरेटर x हो जाता है. तो अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन से हम वेव फंक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट भी मालूम कर सकते हैं, वेव फंक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट. वेव फंक्शन से मुराद है स्टेट वैक्टर इन द पोजिशन रिप्रजेंटेशन. वो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि a माइनस को हम एक्सप्रेस करें पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में. तो ए माइनस में पी को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाता है फैक्टर्स ऑफ आई और एच बार के साथ. तो इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लें तो इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बार एम ओमेगा
h bar d by dx plus m omega x phi 0 equal to 0. ठीक है, a माइनस की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन हमने लिख ली इधर. तो अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो के है d phi naught, डेरिवेटिव ऑफ phi naught रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इससे ये जाहिर हो रहा है ना कि ये दिस शुड होल्ड, यानी ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है ना, तो ये हम इसको इसलिए इस तरीके से लिख सकते हैं, डी फाई नॉट इज माइनस एम ओमेगा ओवर एच बार एक्स फाई नॉट. ठीक है, और इसको फिर अगर हम इंटीग्रेट करें, डी फाई नॉट फाई ज़ीरो को एक साइड पे लिख लेते हैं, फाई नॉट को, और माइनस एम ओमेगा ओवर एच बार एक्स डी एक्स, इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये लॉग ऑफ फाई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा ओवर एच बार एक्स स्क्वेयर्ड ओवर टू आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड हमारे पास ये जो है फाई ज़ीरो ऑफ एक्स जो है, एक्सपोनेंशिएट करें दोनों साइड को, तो जब एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉग विल गिव यू फाई ज़ीरो, एंड दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस एम ओमेगा ओवर एच बार टू, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर्ड, और जो कांस्टेंट है वो ए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब लॉग कर लेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो उसको ए का नाम से दे सकते हैं आप कांस्टेंट. तो ये आपके पास जो है ना ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया, और ये एक गाउसियन फंक्शन है, यानी कि एक्सपोनेंट के अंदर एक्स स्क्वेयर्ड है, और इसको अगर आप नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन अगर इसकी करें, जो कि हम वाकिफ़ हैं उससे, तो ये वन शुड बी इक्वल टू ए एब्सोल्यूट स्क्वेयर्ड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, जब स्क्वेयर करेंगे ना तो एच बार रह जाएगा, टू का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ना, और ये डी एक्स, और आप बेसिकली यूज़ करें जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर्ड डी एक्स जो है वो स्क्वेयर रूट ऑफ पाई बाई अल्फ़ा को अगर आप इस्तेमाल करें, तो ये गाउसियन जो इंटीग्रेशंस हैं वो काफ़ी दफ़ा राइज करती हैं, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है आसानी से, तो वो आपकी टेक्स्ट बुक के एंड में ये इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो हैं वो दिए हुए भी हैं, तो वो अगर इस्तेमाल करें तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को ए एब्सोल्यूट स्क्वेयर तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रल के बाद हमारे पास ये पाई एच बार ओवर एम ओमेगा आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह आपके पास ए स्क्वेयर जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, और तो फाई नॉट जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी एम ओमेगा ओवर पाई एच बार वन बाय फोर एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा ओवर टू एच बार एक्स स्क्वेयर्ड. तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपके पास आ गया जो कि गाउसियन वेव फंक्शन है, और इसकी अगर आप देखें तो ये फॉर्म जो है इस तरह की गाउसियन फॉर्म बनती है, बुक में भी अगर आप देखें तो ये वाली फॉर्म बन जाती है. ठीक है ना, तो इट्स अ गाउसियन फंक्शन लाइक दिस, एक्सपोनेंट में एक्स स्क्वेयर्ड, तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये अब आपके पास आ जाता. अच्छा जी, साथ साथ आपके इसका मतलब वेव फंक्शन की फॉर्म ऊपर चल गई कि पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस पैराबोलिक पोटेंशियल, जिसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम कह सकते हैं, उसमें पार्टिकल जो है इस पैराबोलिक पोटेंशियल में, जो ये पैराबोलिक पोटेंशियल था जिससे हमने ओरिजिनली स्टार्ट किया था, इस पैराबोलिक पोटेंशियल में पार्टिकल को डिफरेंट पोजिशन पर फाइंड करने की, डिफरेंट एक्स पोजिशन पर फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्राउंड स्टेट में वो फाई ज़ीरो एक्स एब्सोल्यूट स्क्वेयर्ड. ठीक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो, और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी विद इन अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट आपको मिल जाएगा.
तो ये सब चीज़ें हम वाकिफ़ हैं। अब हम क्योंकि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन हमने देखी हुई है, अब हम ख़ास तौर से ख़ास प्रॉब्लम पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी आप मालूम कर सकते हैं हमारे पास। अब देखें कितनी आसानी से बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो ओरिजिनल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने के लिए, वो सीरीज सॉल्यूशन लगानी पड़ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मगर ये जो अलजेब्रिक तरीका है ये फैक्टराइजेशन वगैरह से, उससे काफ़ी सिंपली आप चीज़ें हासिल कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है इसका। तो अगर आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी मालूम करनी है तो जो ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है वो इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। साफ ज़ाहिर है क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है वो भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की, विद द आइगन वैल्यू ई ज़ीरो विच इज़ द बाय डेफिनेशन द मिनिमम एनर्जी दैट द पार्टिकल कैन हैव इन दिस पोटेंशियल। और हमने अगर ये मालूम करना है तो फिर हम हैमिल्टोनियन का इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एच बार ओमेगा। अच्छा अब वही आप लैडर ऑपरेटर वाला केस याद करें ना, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं हैमिल्टोनियन की जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो जिसमें अपर साइन ले सकते हैं और एक वो जिसमें लोअर साइन ले सकते हैं। दोनों के हैमिल्टोनियन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कौन सा ज़्यादा एडवांटेजेस है कुछ चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है कि हम ऊपर वाला साइन लें, क्योंकि जब ये ए माइनस ग्राउंड स्टेट वाले फंक्शन पे फाइव ज़ीरो पर एक्ट करेगा तो इस रिलेशन के तहत ज़ीरो दे देगा, तो उससे सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। तो वही हम करते हैं। तो ये प्लस ए माइनस प्लस अ हाफ ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फाई नॉट पे एक्ट करेगा तो ये आपको ई नॉट फाई नॉट तो राइट हैंड साइड वैसे की वैसी रहेगी। अब आप देख रहे हैं कि जब आप जिस तरह मैंने कहा जब ए माइनस जो है ये फाई नॉट पे एक्ट करेगा तो ये ज़ीरो दे देगा, तो अब आपके पास सीधे सीधे एनर्जी आप इसको रीड कर सकते हैं कि सिंस ए माइनस फाई नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो पहली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और दूसरी टर्म सिर्फ सर्वाइव करेगी और वो आपको दे देगी हाफ एच बार ओमेगा फाई नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट फाई नॉट। और यहाँ सबसे सीधे एनर्जी पढ़ सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ई नॉट जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो हाफ एच बार ओमेगा है। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है क्योंकि ये शो कर रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है पार्टिकल की इस पैराबोलिक पोटेंशियल में, क्वांटम पार्टिकल की इस पैराबोलिक पोटेंशियल में जिसको हम कह सकते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सिस्टम को पार्टिकल इन अ पैराबोलिक पोटेंशियल, उसकी जो मिनिमम एनर्जी है ना वो ज़ीरो नहीं है, उसकी मिनिमम एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा है और इसको हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। और इस तरह ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन से कंसिस्टेंट है क्योंकि व्हेन द पोजीशन में अनसर्टेनिटी स्मॉल होती जाएगी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सो यू हैव टू गिव सम सेटिस्फाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यू नीड अ मिनिमम एनर्जी विच हैज़ टू बी मोर देन ज़ीरो, वो हाफ एच बार में का। जैसे कि हमारे डिस्कशन सेशन में भी पिछले वीक की बात डिस्कस हो रही थी तो कि अगर क्लासिकल आपके पास पार्टिकल है ना और पैराबोलिक पोटेंशियल में इस किस्म की पैराबोलिक वेल जो है बन रही है पोटेंशियल की, उसमें क्लासिकल पार्टिकल है ना तो जिसको हम क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं तो उसकी मिनिमम एनर्जी ज़ीरो हो सकती है, यानी वो ऑसिलेटर जो है यानी स्प्रिंग मास जो है उसमें वो मास रेस्ट पे भी हो सकता है, दैट्स एन अलाउड स्टेट इन क्लासिकल फॉर अ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलाउड नहीं है, इवन क्वांटम हार्मोनिक इवन द क्वांटम पार्टिकल या क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में भी जीरो एनर्जी नहीं उसकी होगी, उसकी मिनिमम एनर्जी जो होगी वो हाफ एच बार ओमेगा होगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन थिंक कि जो अगर क्लासिकल
पार्टिकल है इस वेल में तो वो बॉटम ऑफ द वेल में रेस्ट पे हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, मगर जो क्लासिकल है वो ऑसिलेट करता रहता है. सो देर इज सम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड कॉरस्पॉन्डिंगली देर इज सम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ना पोजिशन में अनसर्टेनिटी जीरो हो सकती है, ना मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो हो सकती है. देर इज सम अनसर्टेनिटी पोजिशन एंड देर इज सम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. और वो मिनिमम वैल्यू उनकी जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो उससे अगर आप तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी आप ये जो है ना मिनिमम एनर्जी निकाल सकते हैं, वो हम आगे चल के करेंगे भी. तो ये बेसिकली जो है ये जो जीरो पॉइंट एनर्जी आ रही है ये वैल्यू उसकी, ये बिकॉज द फैक्ट दैट दिस इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एंड पोजिशन एंड मोमेंटम आर कॉन्जुगेट वेरिएबल्स are not compatible observables and they have some uncertainty and the product of the uncertainties have to satisfy Heisenberg's uncertainty relation. So ye aapke paas aati hai, iski ye energy jo hai aapke paas ye aa jati hai. Acha, uske alawa jo isme important ek cheez aa jati hai wo ye hai ke yeah all right. अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम मेंशन कर सकते हैं, लेट मी मेंशन दैट. अच्छा, उसमें एक चीज़ जो सामने हमारे आती है वो ये है कि हर दफ़ा जब हम ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करते हैं ना, तो लेट्स से वी स्टार्ट विद द ग्राउंड स्टेट जिसको मैं फाइव ज़ीरो कह देता हूँ. तो इसकी एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो तो हाफ एज बार ओमेगा है, मगर ए प्लस फाइव ज़ीरो जब आप करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेट आपको मिलेगी यानी कि फाइव ज़ीरो जो स्टेट है उसकी एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा है. उससे अगली जो स्टेट होगी वो भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की, मगर उसकी एनर्जी जो है ना ग्राउंड स्टेट से एच बार ओमेगा ज़्यादा है. तो हाफ एच बार ओमेगा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो उसमें अगर हम ऐड करें एच बार ओमेगा तो ये 3/2 एच बार ओमेगा बन जाती है. और इसी तरह जब ए प्लस को दो दफ़ा ऑपरेट, स्क्वायर का मतलब है कि एक दफ़ा ऐड करेगा फिर जो स्टेट मिलेगी उस पर दोबारा ए प्लस आप ऐड कराएं तो ये अगली स्टेट मिल जाती है. तो ये अगली जो स्टेट मिलेगी उसमें फिर 3/2 में हाफ एच बार ओमेगा ऐड करें तो ये फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं. आप इसकी एनर्जी जो है एच बार ओमेगा, तो हर दफ़ा जो एनर्जी है ना वो उसकी ये फॉर्म बन रही है. अच्छा, ये जो है ना ये इस तरीके से, ये हर दफ़ा सेम स्टेप्स हैं. स्टेप्स जो हैं वो एच बार ओमेगा हैं, हर दफ़ा स्टेप्स जो हैं वो एच बार ओमेगा हैं, एच बार ओमेगा हैं. इस डायरेक्शन में हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं. ये आपके पहली स्टेट है फाइव ज़ीरो, फिर हम इसको कह देते हैं फाइव वन, फिर इसको कह देते हैं फाइव टू, इसको कह देते हैं फाइव थ्री. फाइव ज़ीरो की एनर्जी जो है वो हाफ एच बार ओमेगा है, इसकी जो है 3/2 एच बार ओमेगा है, इसकी जो है 5/2 एच बार ओमेगा है, इसकी फिर 7/2 एच बार ओमेगा है, और इस तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं. और हर दफ़ा जो है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए आप ए प्लस पिछली स्टेट के ऊपर एक्ट कराएं तो आप अगली स्टेट पर चले जाते हैं. और यही सफ़र जो है एनर्जी में ऊपर की तरफ जाने का आप रिवर्स कर सकते हैं, अब नीचे आना शुरू कर सकते हैं अगर ए माइनस ऑपरेटर्स को एक्ट कराएं तो नीचे वाली स्टेट पर चले जाते हैं. अब ए माइनस फाइव ज़ीरो पर एक्ट करेगा तो ज़ीरो दे देगा, इससे नीचे नहीं जा सकते. तो ये जो सफ़र है इसलिए इनको रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स कहते हैं कि ऊपर एनर्जी में और नीचे एनर्जी में आपको ले जाते हैं. अच्छा, इधर मुझे एकदम से एक चीज़ का ख्याल आया, वो ये है कि जो बुक की नोटेशन है ना उसमें ए प्लस को बुक जो है वो ए डैगर कह रहे हैं, हाँ टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, और ए माइनस जो है उसको वो ए कहते हैं. तो दोनों ऐसे ओके, आई मीन ए प्लस ए माइनस भी कई बुक्स इस्तेमाल करती हैं और ए डैगर और ए ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों इक्विवेलेंट. तो अगर बुक पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है.
अच्छा, अब अगर इन एनर्जीज़ को देखें ना, तो जो एनर्जीज़ बनती हैं वो उनको हम एन इंटीजर वैल्यूज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो है एन प्लस वन हाफ एच बार ओमेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हार्मोनिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जीज जो हैं वो हर आर्बिट्री एनर्जी नहीं हो सकती, बल्कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंड इट इज़ क्वांटाइज्ड इन यूनिट्स ऑफ एच बार ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, जो ग्राउंड स्टेट है वह एन इज इक्वल टू ज़ीरो स्टेट है, और एन जो है वो ज़ीरो से स्टार हो रहे हैं, ज़ीरो वन टू एंड सो ऑन। हाँ, तो एन इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो हाफ एच बार ओमेगा है, एनर्जी जो हमने देखी ये है। एन इज इक्वल टू वन स्टेट जो है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है, उसकी एनर्जी जो है वो थ्री बाई टू एच बार ओमेगा है। फिर उससे अगले में टू डाल दें तो फाइव बाई टू एच बार ओमेगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जिस तरह हमने इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में भी देखा था कि एनर्जीज क्वांटाइज थी, इस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी एनर्जी क्वांटाइज है। फ़र्क ये है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल जो है, या एक एनर्जी स्टेट और दूसरी एनर्जी स्टेट की जो एनर्जीज हैं उनमें एक कांस्टेंट डिफरेंस है एच बार ओमेगा का, तो जो स्टेप है ना वो सेम है एच बार ओमेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आप इवन इन व्हेन यू कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। और अगर आप nth स्टेट की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें n एनर्जी क्वांटा हैं जिनको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। तो h बार ओमेगा जो है ना इज़ वन क्वांटम ऑफ एनर्जी, और n टाइम्स h बार ओमेगा वुड बी n क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो हर क्वांटम ऑफ एनर्जी को आप फोटॉन भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस से। इसी तरह आपको फोनॉन फील्ड्स भी मिलते हैं जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ें आप, कि वहाँ पे भी आप जो किसी क्रिस्टल को हीट अप करें तो आप ये जो एटम्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उनको भी आप एक कलेक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं एट लो एनर्जी, और उनको वहाँ जो क्वांटम ऑफ एनर्जी हैं उनको फोनॉन्स का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है, इसलिए बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे उनको ट्रीट किया जा सकता है, और वहाँ पे ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर बेइंतहा इम्पोर्टेंस का हामिल है। और वो एनर्जी जो स्पेक्ट्रम है हार्मोन एटम का, यानी कि एनर्जी लेवल्स जो हैं मुख्तलिफ स्टेट्स की जो एनर्जी हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करती हैं, वेयर एन इज़ द क्वांटम नंबर। अच्छा, इधर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग जो है, जो एक और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर आता है जिसको मेंशन कर देना चाहिए, कि अगर हम आइगन वैल्यू इक्वेशन देखें, अब आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है उसको चलें इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि अब एन क्वांटम नंबर है ना, तो ज़्यादा यूज़फुल है कि हम एन ही से उसको ज़ाहिर कर दें, और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को भी एन से। तो हमारा अब हमारा जो लेबल है हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट्स का वो एन है, एन क्वांटम नंबर, उससे हम मुख्तलिफ स्टेट्स को लेबल कर रहे हैं, उससे हम मुख्तलिफ स्टेट्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। जब हम ये मैं लिखूँ जो ऊपर मैंने फाइव ज़ीरो लिखा हुआ था, अब उसको हमें ज़ीरो स्टेट लिख रहा हूँ, एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फाइव वन स्टेट जो है उसको मैं लिख सकता हूँ वन। तो इस तरीके से एन इज़ इक्वल टू वन, एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से आप ज़ाहिर कर रहे हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है ई ज़ीरो जो है वो यहाँ ई ज़ीरो जो है एन में ज़ीरो डाल दें, एन में ज़ीरो डाल दें, तो हाफ एच बार ओमेगा आपको मिल जाता है। अच्छा, अब इसका मैं अगर मैं लिखूँ ना उसको एच बार ओमेगा, अच्छा चलो मैं बुक वाली नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, डोंट माइंड इट। तो ए प्लस हाफ, जो मैंने ए प्लस ए माइनस लिखा था, जहाँ ए प्लस था ये डैगर आप लिख लें, ताकि अगर बुक को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आके आपको वो उसकी भी फेमिलैरिटी हो जाए। तो ये ई एन या आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई ना इन टर्म्स ऑफ एन। अच्छा, अब इसमें अगर आप आइगन वैल्यू इक्वेशन में देखें ना, तो ये वाला फैक्टर्स तो, और अच्छा अभी ना करें, तो इसको जो है आप इस तरह लिख लें एच बार ओमेगा ए डैगर, मुझे पिछले स्टेप में लिख लेना चाहिए था, चलें पिछले स्टेप में लिख लेता हूँ, क्योंकि ताकि वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। ई एन की जगह मैं पुट कर देता हूँ एन प्लस हाफ
एच बार ओमेगा यहाँ से और ये एन, ठीक है। इसको इधर साइड पे, ठीक है ना। बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसकी जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इन ऑपरेटर्स को, जो मैं अभी हम ये रिलेशन इस्तेमाल किए ना, जो ऊपर भी कई दफ़ा कर चुके हैं अब हम, ये रिलेशन ए प्लस को मैं ए डैगर अब कह रहा हूँ, ए प्लस को ए डैगर कह रहा हूँ और एंड सो फोर्थ, और ए को मैं ए माइनस को ए कह रहा हूँ। तो ये अगर हम करें तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये वाले वाली टर्म हाफ एच बार ओमेगा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है ना। और आपके पास एच बार ओमेगास भी कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास जो रह जाता है वो ये रह जाता है ए डैगर ए एन इज इक्वल टू एन एन, ये आइगन वैल्यू फॉर्म बन जाती है। अच्छा, ये भी अगर आप देखें तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बन रही है, मगर हैमिल्टोनियन के लिए नहीं, बल्कि एक नए ऑपरेटर की, जो कि ए डैगर ए ऑपरेटर है, वो जब एन स्टेट पे एक्ट करता है तो आपको वापस वो स्टेट दे रहा है बट विद द आइगन वैल्यू एन। तो ये ऑपरेटर भी जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर को नंबर ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो है ये नंबर ऑपरेटर कहलाता है, नंबर ऑपरेटर। क्यों नंबर ऑपरेटर? बिकॉज गिव्स यू द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी जो है आपको एन दे देता है, एनर्जी नहीं दे रहा। अगर एच बार ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एनर्जी बन जाएगी, ये क्वांटा दे रहा है, नंबर ऑपरेटर। तो ये नंबर ऑफ, आप समझ लें कोई सिस्टम फोटॉन्स का सिस्टम है, गिव यू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, किसी और बोजॉनिक सिस्टम है नंबर ऑफ बोजॉन, नंबर ऑफ फर्मियॉन्स, व्हाटएवर। अच्छा, आपको पता ही नहीं बोजॉन और फर्मियॉन्स क्या है, इसलिए आप मेरी इस बात को नज़रअंदाज कर दें, बस ये समझ लेंगे गिव यू द क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी एच बार ओमेगा, एन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एन एच बार ओमेगा, एन एच बार ओमेगा वुड बी एन क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो खाली अगर नंबर को देखें तो ये क्वांटम कितने क्वांटा एनर्जी के हैं, कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं, कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको जाहिर कर रहा। तो ये नंबर ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑपरेटर के टर्म्स में भी हैमिल्टोनियन को लिखा जा सकता है, हैमिल्टोनियन नंबर ऑपरेटर के टर्म्स में एन प्लस, अच्छा इसको एन से जाहिर करते हैं, एन ऑपरेटर, ठीक है ना, एन प्लस हाफ एच बार ओमेगा। तो ये आपका एक और सिंपलर फॉर्म आपकी हैमिल्टोनियन की, जिसमें आपने ए डैगर ए को एन नंबर ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया। तो नंबर ऑपरेटर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमने अब काफ़ी सारी चीज़ें इधर कवर कर ली हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से, और हाँ एक आध चीज़ और रह गई है, वो भी जिक्र करें या नेक्स्ट टाइम करें, ये क्वेश्चन है। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा मटेरियल भी एक हर लेक्चर में ज़्यादा ना हो जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको करते हैं। तो आज के लिए फिर हम इधर ही रुक जाते हैं और